हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर में। तो आज मैं ये देसी जुगाड़ लगाने वाला हूं एक, और आपके साथ भी शेयर करने की मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करा जाए। छोटी छोटी बातें जो होती हैं हम शेयर करेंगे। जैसे कि गर्मी पड़ रही है जिस हिसाब से, तो ये देख सकते हो मेरा आगे वाला जाल ये खाली पड़ा है, और इसमें जो हवा जाती है डायरेक्ट हवा जाती है अंदर गर्म, तो हम इसके लिए ये देसी जुगाड़ करेंगे। ये बोरे लेके आया हूँ मैं, कुछ बोरे रखे हुए हैं मेरे पास, ये लेके आया था हम ख़रीद के, और बहुत सस्ते में काम हो गया है। इसमें 20 रुपये का खर्चा आया है, 20 रुपये में आज टेम्परेचर कंट्रोल कैसे करें। अब वीडियो का टॉपिक यही रखूँगा मैं, भजी स्पैरेट की कॉलोनी का 20 रुपये में टेम्परेचर कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल कैसे होगा इसका टेम्परेचर, वो भी मैं आपको इस वीडियो में हाथों हाथ बताता रहूँगा। और इस सामने इस पर लगाऊँगा मैं, ये डबल करके लगा दूँगा। दोपहर जब हो गएगी तो हम उस पर पानी का छिड़काव मारे करेंगे पाइप से। ये पाइप है हमारा लगा हुआ, टंकी भी सामने लगी हुई। जब देखा गर्मी हो रही है तो उस बोरे को भिगो दिया हमने, और जो बाहर से जो हवा आएगी वो डायरेक्ट अंदर जाएगी, गर्म हवा बाहर से जो आएगी गर्म हवा अंदर जाएगी ठंडी हो गई हवा। लगाने का कूलर भी लगा सकता हूँ मैं, मगर कूलर लगा के कुछ आदत ख़राब नहीं करना चाहता हूँ मैं इनकी, और इतना मेरे पास बजट भी नहीं है जो कूलर वूलर लेके आऊँ मैं। कूलर तो वैसे रखा हुआ है मेरे घर पर, बिजली का खर्चा ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम देसी जुगाड़ लगाएंगे। ये कम खर्च में हम अपने बर्ड्स का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये लगाऊंगा मैं, ताकि बाहर से जब गर्म हवा जाएगी तो बोरी से टकरा के जाएगी तो अंदर ठंडा ठंडा रहेगा, और अंदर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। तो वही सब हमें दिखाना है इस वीडियो में, आप लोगों को बताना है, और नई से नई बातें मैं आप लोगों को बताते रहना हूँ इस वीडियो में, और अपने चैनल पर नई से नई इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। देख सकते हो ये टाट के बोरे हैं ये, और डबल करके लगाऊंगा ये, क्योंकि ज़्यादा वो जालीदार हैं, ये मोटा वाला नहीं है, ये हल्का वाला बोरा है, तो इसे मैं डबल करके लगा दूंगा सुतली की मदद से, या फिर तार के मदद से लगा देंगे हम इसको। और लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे लगाना है, डबल कर लेके लगा देते हैं हम इसको। तो फाइनली एक बोरा तो लगा दिया है मैंने, अब दूसरा बोरा लगाते हैं। इसके एक नीचे की जगह खाली दिख रही है, तो डबल ये डबल करके लगाया मैंने, एक इसके ऊपर से बीच में से एक और लगा देंगे ताकि नीचे तक कवर हो जाए डबल करके, फिर एक ऊपर लगा देंगे, और एक डोर जो हमारा गेट हैगा एक उस पर लगा देंगे। तो कैसे लगा रहा हूँ देख सकते हो। और कुछ सेंटिंग वाले ये बाहर पड़े हैं मेरे पास, देख सकते हो, यही मैं लगा रहा हूँ इसमें आज। तो इसको ही हम लगा के फिट कर देंगे उसमें, बहुत अच्छा काम करता है सेंडिंग वाला वायर जो है। इसमें एक ले लेता हूँ, इसे कस देता हूँ अच्छे तरीके से, और कसने के बाद में ये कहीं नहीं भागेगा। ये धागा हुआ तो गल भी जाता है, धागा या रस्सी वस्सी से करता मैं तो वो गल जाते हैं, और ये गलेगा नहीं जल्दी तार, और मजबूती भी बनाए रखेगा, पकड़ भी बनाए रखेगा अच्छी खासी। देख सकते हो ये बीच में एक लगा देते हैं, बाकी एक साइड में लगा दिया है मैंने, एक उस साइड में लग जाएगा, एक बीच में लगा दिया है मैंने, और तीन जगह से रोक रहा हूँ इसको मैं। और फाइनली हमने ये लगा दिया है ऐसे, अभी तो ऐसी टांग रखा है, तो डबल हो गया, अब एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, नीचे का पूरा कवर हो गया है। तो अब चलते हैं अंदर, अंदर इसको कस देते हैं हम, ये अंदर घेरा जैसा हो गया पूरा, अंदर से आ गया है हमारे पास, ये जाल में लगे हुए हैं ये, तो इसको अंदर से मैं कस देता हूँ एक बार, टेट करके कस देता हूँ मैं इसको एक बार। ये नोज वाला प्लास ले दिया मैंने, ये इससे कसता हूँ मैं, दिख नहीं रहा है थोड़ा, मतलब अंधेरा टाइप का हो गया। ये है, तो ये सुबह का टाइम है, अब सुबह का टाइम आ गया हूँ मैं सॉफ्ट फूड वगैरह देने अपने बर्ड्स को, और ये सारा देख सकते हो आप मैंने कंप्लीट कर दिया था रात में, अंधेरा ज़्यादा हो गया था उसके वजह से वीडियो बना नहीं पाया था मैं, अंधेरा आ रहा था वीडियो में। तो अब ये सुबह की वीडियो है, और अब अंदर चल के दिखाता हूँ आप लोगों को, और दोपहर में इसमें पानी भी छिड़केंगे हम। अभी तो धूप, मतलब सुबह सुबह का टाइम है, ठंडी हवा चल रही है, दोपहर में जब गर्म हवा चलेगी तब इसमें पानी छिड़कूंगा मैं एक बार, और पानी छिड़क के भी देखेंगे कैसा अंदर का माहौल रहता है। अब मैं चलता हूँ अंदर, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या सोर्स दिया है मैंने आज जो दिए हैं मैंने
भीगे हुए स्प्राउट दिए हैं मैंने इनको आज, देख सकते हो। कल भिगो के रख दिए थे मैंने ये, तो आज इनको मैंने दिए हैं। परसों भिगोए थे मैंने ये, और कल निकाल के मैंने कपड़े में लपेट दिए थे। और कपड़े में लपेटने के बाद में ये सब स्प्राउट बन गए आज। दो दिन का प्रोसेस होता है, दो दिन में स्प्राउट बन जाते हैं। और बहुत शौक से खाते हैं, और बहुत ठंडी चीज़ होती है हमारे बर्ड्स के लिए गर्मियों में। देख सकते हो कॉकटेल भी खा रहा है हमारा, और ये बजीज भी खा रहा है इस साइड में, देख सकते हो सारे के सारे खा रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये, और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, गर्मियों में हमारे बर्ड्स को ठंडक देती है। और ये बहुत शौक से खाते हैं, देख सकते हो सब बड़े शौक से खा रहे हैं। ये देख सकते हो बजीज वगैरह सब आ गए हैं। सुबह सुबह में शौक फूड जो होता है सुबह सुबह देने का ही फ़ायदा होता है। सुबह सुबह जो कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो हमारे शरीर को लगती है, तो उससे हमारे बर्ड्स की हेल्थ भी सही रहती है। तो बर्ड्स हमारे सही रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इनको कैल्शियम वैल्शियम जो भी विटामिन होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। इसमें मूंग की दाल है और गेहूँ है, मूंग की दाल है, गेहूँ है और बाजरा है इसमें भीगा हुआ। तो इन सब गेहूँ की भी जो ताजी जो ठंडी हो जाती है भिगोने के बाद, और बाजरे की भी भिगोने के बाद ठंडी हो जाती है। चने वगैरह मिलाए नहीं मैंने इसमें आज, आज मैं सॉफ्ट फूड नहीं दिया, वैसे दिया स्प्राउट दिए भीगे हुए। तो देख सकते हो कितने आराम से खा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग उत्तराखंड बर्ड्स रुद्रपुर।